कुछ कर दिखा ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। हेलो दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, वो भी ब्रह्मचार्य के ऊपर, और उस वीडियो को आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया। लेकिन कुछ भाई कमेंट में ये पूछ रहे थे कि ब्रह्मचार्य क्या होता है और इसका पालन कैसे करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मचार्य क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें ब्रह्मचार्य की, तो ब्रह्मचार्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चार्य। ब्रह्म शब्द का अर्थ है ईश्वर, मोक्ष, गुरु, सुख, समृद्धि, और चर्य शब्द का अर्थ है चिंतन, अध्ययन, सेवा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो के खत्म होने तक कुछ ऐसा पता चल जाएगा कि जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब कोई बच्चा 13 साल का होता है तो उसके शरीर में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, और इस उम्र में बॉडी सीमन यानी वीर्य को बनाना शुरू कर देती है। और हमारे प्राचीन भारत में एक प्रथा थी कि जब भी कोई बच्चा 13 साल का होता था तो उसको गुरुकुल में डाल दिया जाता था, और वहाँ पर जो गुरु होते थे वह उस बच्चे को अच्छी शिक्षा और सात्विक भोजन दिया करते थे, और वहाँ उस बच्चे को वेदों के बारे में पढ़ाते थे। और जैसे ही वो बच्चा 25 साल का होता था तो उसके दिमाग में मौजूद प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स इतना शक्तिशाली हो जाता था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो वह हासिल ना कर सके। और प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो हमें इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और स्मार्ट बनाता है। और आजकल की सोसाइटी और मॉडर्न कल्चर के चलते हमारे देश से ये प्रथा विलुप्त हो गई है, और इस चीज का परिणाम आजकल की यंग जनरेशन को भोगना पड़ रहा है। जैसे कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे अश्लील वीडियोस को देखकर अपने फ्यूचर और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और आजकल 13 साल के बच्चों के अंदर भी इतनी वासना है कि वो अपने शरीर की अनमोल धातु वीर्य को यूं ही बहा देते हैं। अब 15 साल की उम्र में भी बच्चों के बाल सफेद हो गए हैं, और कमजोरी, थकान, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंगर, जलन जैसी चीजों ने उनके मन और शरीर पर अपना काबू कर लिया है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचार्य का पालन करता है यानी अच्छी किताबें पढ़ता है, गंदी वीडियोस नहीं देखता, और अपनी हेल्थ का और अपने फ्यूचर को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करता है, एक्सरसाइज करता है, मेडिटेशन करता है, प्राणायाम करता है, और लड़कियों को गंदी नजरों से नहीं देखता बल्कि हर लड़की और औरत को अपनी माँ और बहनों की नजरों से देखता है, तो वो 25 साल तक आते आते वो इतना शक्तिशाली, बुद्धिमान, वीर्यवान और ऊर्जावान बन जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो वो हासिल ना कर सके। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से 13 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन करना सबके लिए बहुत जरूरी है, और 12 साल तक अखंड ब्रह्मचार्य का पालन सबको करना मस्ट है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको ब्रह्मचार्य के फायदे जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।